वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाए सब्सक्राइबर, और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यारों कैसे हो, ठीक ठाक हो ना? तो आज है संडे और आज मैंने कहा था कि Q&A वीडियो आने वाला है। जैसे ही ये कहा तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया और सारे क्वेश्चन का आज मैं आंसर देने वाला हूँ। आज यार बहुत मज़ा आने वाला है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। और एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा है, वो है मेरा ज़िंदगी में एम क्या है, कि मैं आगे चलकर क्या बनना चाहता हूँ। तो चलो सबका आंसर दूंगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ भी चीज़ याद करते हैं तो 2-3 हफ्ता से ज़्यादा याद रहता ही नहीं, तुरंत भूल जाते हैं। तो भाई एक काम करो, तुम हर सप्ताह उसे रिवीजन करो, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन उसका रिवीजन करो, उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह फिर रिवीजन करो। पक्का कहता हूँ कभी तुम भूल ही नहीं पाओगे। तुम तो बस एक बार पढ़ देते हो, उसके बाद उसे 1-2 महीना के लिए छोड़ देते हो, तो कैसे नहीं भूलोगे। इसलिए पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन जरूरी है, हर सप्ताह एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम कहाँ रहते हो? भाई मैं इंडिया के एक स्टेट झारखंड में रहता हूँ, और झारखंड के भी गुमला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहीं एक गांव है, वहीं रहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा लाइफ में एम क्या है, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। भाई ये बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसे पहले ही जवाब दे रहा हूँ। देखो भाई, जब भी मैं एम में आता हूँ ना तो मेरा दिल कांप जाता है, क्योंकि मुझे उड़ने का बहुत शौक है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि काश वो दिन आता जिस दिन मैं एरोप्लेन को चलाता, मतलब हवा में उड़ता। यार मुझे हवा में उड़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक एरोप्लेन उड़ाने का। पहला एम तो मेरा पायलट बनना है। पायलट बनने के बाद चाहे जो भी बन जाए, 1 महीना के लिए बने चाहे 1 साल के लिए, लेकिन सबसे पहला पायलट बनेंगे। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेरा इनकम क्या है। भाई शुरुआत में तो बहुत कम इनकम होती थी, पहला दिन तो $0.02 हुआ, बता नहीं सकता यार क्या कहूँ। उसके बाद नेक्स्ट दिन $0.2, उसके बाद अगले दिन $0.4, फिर वही $0.4, $0.5, इतना ही होता है यार, कभी $1 टच नहीं किया। भाई इनकम को जाने दो, बस तुम मेरे साथ रहो यही काफ़ी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं यूट्यूब को और साथ में अपना पढ़ाई को कैसे मैनेज करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, YouTube को मैं 2-3 घंटा से ज़्यादा नहीं देता हूँ, दिन में 24 घंटा मिलता है, 24 घंटा में से 7 घंटा स्लीपिंग में चला जाता है, बाकी वीडियो बनाने में 2-3 घंटा जाता है, और बाकी बचता है उसमें मैं पढ़ाई करता हूँ। यार मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ उस समय तुम्हारे कॉमेंट्स का रिप्लाई मेरा भाई दे देता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेम्बर हैं? टोटल 11 मेम्बर है, बहुत बड़ा फैमिली है। भाई इसमें तो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे अंकल, मेरे आंटी आ जाते हैं, और इसमें से भी मेरे पापा के हम लोग 4 भाई बहन हैं और मेरे चाचा के 2 बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, तो टोटल 3 भाई और 1 बहन, और मेरे चाचा के 2 बहन हैं बस, और एक मेरे दादी, मेरे दादाजी यार पहले ही स्वर्ग पधार चुके हैं, एक दादी है बस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट फूड क्या है। भाई फूड के बारे में पूछते हो, मेरा फेवरेट फूड चावल ही है। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया कि वो मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। भाई मैं तो पहले ही बता दिया था कि मैं सबसे पहले पायलट बनना चाहता हूँ, पायलट के बाद चाहे जो भी करूँ, जो भी नौकरी करूँ, लेकिन सबसे पहला पायलट बनना है, क्योंकि यार मुझे हवा में एरोप्लेन उड़ाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है इसीलिए। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम BKP जैसे वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से लाए। देखो यार मैं भी BKP का वीडियो देखता था, तो देखता था कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारा डिमांड भरा हुआ है कि यार तुम ये चैप्टर का वीडियो नहीं बनाए हो, जल्दी बना दो, और BKP बना ही रहे नहीं रहे हैं वीडियो। तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसमें BKP जैसा वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बस यही है। वैसे भी BKP मेरा भाई ही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई एक भाई पूछे हैं कि 21-डे चैलेंज सच में कामयाब होता है, मतलब ये सच में काम करता है। हाँ भाई ये सच में काम करता है, मैं भी ये करके देख चुका हूँ। देखो तुम एक बार
21 दिन तक 4 बजे उठने का आदत बना दो। 100% गारंटी देता हूँ कि 22वें दिन तुम्हें उठाने का ज़रूरत ही नहीं, तुम अपने आप उठ जाओगे। या तो तुम 15 दिन भी करके देखो ना, 16वें दिन अपने आप कर लोगे। 15 दिन शांति से पढ़ने का कोशिश करो, 16वें दिन अपने आप तुम शांति से पढ़ने लग जाओगे। इधर उधर नहीं देखोगे, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये सही में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम फेस रिवील कब करोगे, मतलब अपना फेस कब दिखाओगे। देखो यार, 50K सब्सक्राइबर पूरा होने दो, उसके बाद फेस रिवील मैं कर दूंगा। वैसे भी यार, मुझे कैमरे के सामने बोलने में बहुत डर लगता है, पता नहीं यार पसीने छूट जाते हैं। एक बार मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, पता नहीं मैं कैसे अपना फेस रिवील करूँ, फेस दिखा के बोल ही नहीं सकता हूँ, कैसे करूँ। मुझे लगता है फ़ोटो दिखा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सा मोबाइल यूज करते हो। भाई मेरा फ़ोन है Realme C3 464, मतलब 4 GB रैम 64 GB इंटरनल वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख वाला पल कौन सा था, उसके बारे में बताओ, और तुम अपने आप को कैसे संभाले। देखो यार, जब मैं सेकेंड लाता था ना, उस समय मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मुझे फर्स्ट लाने का आदत था। जब मैं सेकेंड लाता था ना, उस समय मैं घर से कितनों ठान के जाता था कि आज नहीं रोऊंगा, लेकिन फिर भी स्कूल में रिजल्ट लेने के बाद टीचर्स को देखते ही मेरे आँख में आंसू आ जाता था कि यार इतना मेहनत से टीचर लोग पढ़ाए, मैं फर्स्ट नहीं ला सका। और ज़िंदगी में इससे बड़ा दुख नहीं हुआ है जितना दुख मुझे सेकेंड लाने से हुआ है, सच में बता देता हूँ। और इस समय मैं अपने आप को कैसे संभालता था ये भी बता देता हूँ। देखो यार, कुछ देर के बाद मैं सोचता था कि ठीक ही हुआ सेकेंड लाया, फर्स्ट लाने का ईगो नहीं रहेगा। मतलब जब हम लोग फर्स्ट लाते हैं ना, उस समय दिल में बैठ जाता है कि अरे यार अब तो मैं हमेशा फर्स्ट लाऊंगा। लेकिन जब हम लोग सेकेंड आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमसे भी ज़्यादा कोई आदमी है, और ये फीलिंग सिर्फ सेकेंड लाने से होता है। इसलिए मैं सोचता था ठीक ही हुआ, ऐसा कह के अपने आप को संभाल लेता था और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता था, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में हंसते हंसते फर्स्ट लाता था। भाई अगर अपने आप को दुख से बचाना है ना, तो हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग करो, उसके बारे में अच्छा। एक भाई पूछे हैं कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके बारे में अपना राय बताइए। देखो यार, कोरोना के कारण क्या करेंगे, सभी स्कूल वाले जूम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई कोई स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, कोई कोई स्कूल में सैनिटाइज लगा करके स्कूल बुला करके पढ़ाया जा रहा है। देखो यार, अपने जगह में जूम क्लास भी ठीक है, और जिन लोगों का स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है उनका तो भाई बता नहीं सकता, और जिन लोगों के स्कूल में सैनिटाइज लगा करके पढ़ाया जा रहा है, तो उन स्कूल में बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा करने से किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को कोरोना नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर हो रहा है तब तो यार ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट आगे चलकर हमारे देश का फ्यूचर निर्माण करेगा, हमारा देश का फ्यूचर बनाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम मनोहर है, और मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रदीप महतो है, और मेरी मम्मी का नाम सुषमा देवी है, और मेरे पापा किसान हैं, समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो के लिए एक सेकेंड चैनल बनाओगे या नहीं। देखो भाई, मैं तो पहले सोच रहा था कि सेकेंड चैनल मैं तुम्हें बना करके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी उसमें दूं, लेकिन क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम बीच में आ गया भाई, और जिसके लिए मुझे तैयारी करना पड़ा, इसलिए मैं क्लास 9 का तो नहीं सकूंगा, लेकिन जब तुम क्लास 10 में जाओगे ना, उस समय मैं पूरा कोशिश करूंगा और बनाऊंगा ही। तो भाई क्लास 9 के लिए तुम NCERT सॉल्यूशन वाला ऐप से तैयारी करो, क्योंकि दिन भर में यूट्यूब के लिए एक वीडियो से ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। तो यार सारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, जैसे देश का फ्यूचर बच्चे बनाएंगे, इसी तरह मेरे चैनल का फ्यूचर तुम बनाओगे, स्पेशली तुम ही बनाओगे। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलो वीडियो पे एक लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।